पश्चिम उड़ीसा विद्युत एकता मंच के आह्वान पर वैस्को के निजीकरण के विरोध में सभी वैस्को कर्मचारियों ने काले पट्टे पहनकर काला दिवस मनाया। संबलपुर जिला के रेंगाली में बिजली कर्मचारियों ने मनाया काला दिवस। इस विरोध में रेंगाली SDO राजू शाह, JE प्रदीप सामल, लाइनमैन ए पद्मलोचन साहू और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। अगर सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और ध्यान नहीं दिया तो यह विरोध और भी भयानक होगा। संघ के तरफ से चेतावनी दी गई है। पिछले निजीकरण में निजीकरण कंपनी ने अब तक श्रमिकों के भविष्य के बचत के लिए रखे हुए पैसे को अब तक नहीं दिया गया। अब तक निजी कंपनियों ने श्रमिकों के करोड़ों रुपए गमन कर लिया है, लेकिन अब तक श्रमिकों को कोई स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया गया, इसलिए संघ द्वारा इसका घोर विरोध किया जा रहा है। अन्यथा इस हड़ताल को आने वाले दिनों में राजमार्गों पर ले जाने का आह्वान दिया गया है। संबलपुर जिला रेंगाली से सूरज पोदार की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। तहसीलदार नियुक्त आनंदपुर के उप जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र साहू का पिछले महीने तबादला होने के बाद आज उनके स्थान पर आनंदपुर तहसीलदार श्री तपन कुमार नायक को केंदुझर जिलाधिकारी ने उप जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया। आज सुबह के 10 बजे आनंदपुर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने श्री तपन जी ने अपना पदभार संभाला। केंदुझर से नीलमणि बारिक की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस।